सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाने के बाद सोमवार को विधानसभा में सर्टिफिकेट दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के अलावा बड़ी संख्या में पार्टी के नेता, विधायक और विधान पार्षद उपस्थित होकर उन्हें जीत की बधाई दी। इस दौरान सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वो केंद्र में भी बिहार के मुद्दे को उठाते रहेंगे। राज्यसभा की खाली सीट के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी के सुशील मोदी निर्विरोध चुने गए। विपक्ष की ओर से कोई नामांकन नहीं किया गया था और फिर नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद सुशील मोदी को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया। राज्यसभा उपनिर्वाचन के लिए आज नाम वापसी का अंतिम समय था और 3 बजे तक किसी ने नाम वापस नहीं लिया और एकमात्र कैंडिडेट श्री सुशील कुमार मोदी जी इस इलेक्शन में बच गए थे और उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया और अभी विधानसभा परिसर में उन्हें सर्टिफिकेट भी, निर्वाचन का प्रमाण पत्र प्रदत्त किया गया और उनका कैंडिडेट्स जो निर्वाचन की सूचना है वो निर्वाचन आयोग और राज्यसभा भेज दी गई। सुशील मोदी ने राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद लोगों का अभिवादन किया और उपस्थित नेता, कार्यकर्ता और गणमान्य लोगों ने सुशील कुमार मोदी को जीत की बधाई दी। सुशील कुमार मोदी राज्यसभा के लिए जो उपचुनाव हुआ उसमें निर्विरोध चुने गए और उन्हें इसका सर्टिफिकेट भी दिया गया और इसके बाद भारी संख्या में तमाम सारे जो समर्थक हैं उनका हुजूम और तमाम सारे समर्थक और पार्टी के जो सदस्य हैं उन्हें बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उपस्थित होकर उन्हें शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ दोनों उप मुख्यमंत्री यानी तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी और इसके अलावा पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जो हैं इस मौके पर उपस्थित होकर उन्हें शुभकामनाएं दी। सुशील मोदी ने न सिर्फ अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और NDA घटक दलों के नेताओं के प्रति आभार जताया बल्कि विपक्ष को भी उम्मीदवार न देकर उन्हें निर्विरोध चुने जाने में मदद के लिए धन्यवाद दिया और बिहार के मुद्दे को केंद्र में उठाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पार्टी ने जो भी जिम्मेवारी दी है मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि मैं ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ उन सारे दायित्वों का निर्वाह कर सकूं। इसलिए मुझे खुशी है कि मुझे राज्यसभा में जाने का मौका मिला है और पार्टी के निर्देश के अनुसार मैं राज्यसभा और बाकी जगह पर काम करूंगा। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वो लंबे समय तक बिहार की बेहतरी के लिए काम करते रहे हैं और बिहार के बदलाव में उनकी भी छोटी सी भूमिका है। राज्यसभा सांसद चुने जाने के साथ ही सुशील कुमार मोदी ऐसे जनप्रतिनिधि बन गए हैं जो विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा यानी चारों सदन के सदस्य बन चुके हैं। बीच अब सुशील कुमार मोदी राज्यसभा के सदस्य चुन लिए गए हैं, विधिवत उन्हें ये प्रपत्र जीत का सर्टिफिकेट भी मिल गया है और जो निर्वाची पदाधिकारी हैं पटना के कमिश्नर और साथ ही साथ 3 जो सह निर्वाची पदाधिकारी थे उन्होंने इनको जीत को लेकर सर्टिफिकेट दिया और विधानसभा सचिवालय में सचिव की ओर से उन्हें इसे सुपुर्द किया गया और इस मौके पर तमाम जो बड़े नेता हैं वो उपस्थित हुए। कैमरामैन निशांत के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। राज्यसभा के लिए बीजेपी कैंडिडेट सुशील मोदी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। सुशील मोदी के राज्यसभा सदस्य बनने पर JDU नेता श्रवण कुमार ने बधाई दी है। श्रवण कुमार ने कहा है कि सुशील मोदी ने बिहार के विकास में बड़ी भूमिका अदा की है। आंदोलन जो है प्रायोजित है और जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो विरोधी दल के लोग हैं वो ठीक से खुद भी समझ नहीं रहे हैं और किसानों को भी समझाने की कोशिश नहीं करते हैं। वो तो चाहते हैं कि बिहार में, चाहे देश के अनेक हिस्सों में, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, इन इलाकों में आंदोलन हो और उस आंदोलन से हम पॉलिटिकल लाभ लें, ये काम लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में सही बात किसानों के बीच में रखना चाहिए और किसानों को कैसे फ़ायदा पहुँच